सो गाइस, इस चैनल पे आज ये वीडियो आई है भाई। दोनों ही मॉन्ग शूज हैं। अब ये क्या हो गया यार, सेम से ही तो दिख रहे हैं। अब मैं बताता हूँ गजब की चीज, इनको मैं रखता हूँ साइड में। तो यार, बहुत से लोग जो मेरी तरह चूजी हैं, कई बार ऐसे मोमेंट्स जिंदगी में जरूर आते हैं कि आपको एक लेदर प्रोडक्ट पसंद आया है पर भाई उसका कलर पसंद नहीं आया। सेम मेरे साथ हुआ। अमेजोन से मैंने 3 महीने पहले इन शूज़ को ऑर्डर किया था। ये टैन कलर के हैं और इसमें एक लाइट टैन भी आता है। तो दीज आर मॉन्ग शूज़। मेरी प्रेफरेंस हमेशा मॉन्ग शूज़ की होती है, डबल मॉन्ग शूज़ विद दिस क्लिप्स। तो उसमें होता क्या है बेसिकली, ये बहुत ही ज़्यादा ना क्लासी और जो एलिगेंट आती है ना, वो एक नॉर्मल जो आपके लेसेस वाले शूज़ होते हैं या विदाउट लेसेस जो शूज़ होते हैं उनके कंपैरिजन में ये ज़्यादा क्लासी लगते हैं। द रीज़न इज़ कि एक तो बहुत ही एक ओल्ड एज से ही ये स्टार्ट हुए थे, 1948 के अराउंड ये ब्रिटिशर्स ही इसका ट्रेंड लेके आए थे इंडिया के अंदर। अब ये कहोगे कि यार शूज़ का भी ट्रेंड आप ब्रिटिशर से फॉलो कर रहे हो, उस चीज़ पे मत जाओ। ठीक है भाई, शूज़ का कॉन्सेप्ट भी ब्रिटिशर्स ही लाए थे इंडिया में, अगर वो भी आप उस पर भी एंटी हो गए तो हो सकते हो, इट्स योर चॉइस। बट द पॉइंट इज़ कि भाई ये बहुत ज़्यादा क्लासी लगते हैं इन कंपैरिजन ऑफ द नॉर्मल लेसेस वाले जो शूज़ होते हैं, इसलिए मेरी प्रेफरेंस हमेशा इनकी होती है। मेरे पास जितने भी पेयर्स हैं वो इसी टाइप के सिंगल मॉन्क या डबल मॉन्क शूज़ हैं। कभी कभी सर्कमस्टांसेस होते हैं कि मॉन्क शूज़ में आपको ऑप्शंस नहीं मिलते हैं तो आपको ऑनलाइन प्रेफर करना पड़ता है, जैसे कि मैंने इन्हें प्रेफर किया। मुझे टैन का इतना ज़्यादा ये कम्फर्ट और एक प्रीमियम जो फील होती है ना, वो लगा कि यार मन किया चलो दोबारा इसका 2-3 महीने मैंने वेट भी किया कि ब्लैक में आ जाएं, क्योंकि मेरे ब्लैक शूज़ ख़राब हो चुके थे, तो उनकी सोल घिस चुकी थी यूज़ करने की वजह से। अब पॉइंट था कि यार ब्लैक मेरे को सेम आर्टिकल चाहिए, सेम ब्रांड पे मैंने मल्टीपल इंक्वायरीज भी रेज करी। दे सेड कि इस पर्टिकुलर लुक के साथ वो ब्लैक में नहीं डिलीवर करते हैं, मतलब मैन्युफैक्चर ही नहीं करते। तो आई थॉट कि क्यों ना कुछ नया ट्राई किया जाए। तो सेम चीज़ जैसा कि मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि यार ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको एक पर्टिकुलर जो चूजी होते हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा चूजी हूँ। सेम आर्टिकल मैंने 10 में ही ऑर्डर किया, सेकेंड टाइम भी फिर मैंने एक एजेंसी को पकड़ा जो लेदर ट्रीटमेंट और लेदर नरिशमेंट करते हैं। फर्स्ट मैंने एक के पास भेजा, उन्होंने इस प्रोडक्ट की शूज़ की कॉस्ट के डबल उन्होंने मेरे साथ कॉस्ट शेयर करी। तो मैंने कहा भाई इतना तो मैं पे नहीं करूँगा, ठीक है पसंद है पर इतना भी पागल नहीं हूँ मैं कि यार अगर 3500 रुपये की शूज़ है तो उसके लिए 6,500-7,000 रुपये मैं कलरिंग पे शूज इन्वेस्ट कर दूँ, वो नहीं। फिर मैंने और भी रिसर्च करी और एजेंसीज से बात करी और ऑर्गेनाइजेशन से बात करी, देन आई फाउंड कि एक दिल्ली बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, काफ़ी पुरानी भी है और उनका एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा है। उनका लेदर प्रोडक्ट से रिलेटेड या बैग, आपका पुराने बैग्स होते हैं खराब, ब्रांडेड बैग्स होते हैं बहुत लोगों के, ख़राब हो जाते हैं, चेन ख़राब हो गई या लेदर का वो लुक एंड फील नहीं बचा है, तो वो उसको रिस्टोर करने में आपकी हेल्प करेंगे, मतलब वो खुद करेंगे, आपको सिर्फ उन्हें भेजना है और विद इन 3-4 डेज डिपेंडिंग ऑन दी प्रोडक्ट और कंडीशन वो उसे फिर से एकदम ब्रांड न्यू अपील के साथ भेज देंगे आपके पास। तो ये है अगेन, मतलब मैं कॉस्ट की बात करूँ बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट उन्होंने मुझसे चार्ज करी, जो मेरे शौक हैं उसके हिसाब से या मेरी जो चॉइसेस हैं। उन्होंने 4 दिन लगाए, 4 दिन के अंदर ये ब्लैक बिल्कुल हो चुके हैं। अब बहुत से लोग ऐसे कहेंगे यार मोची को दे देते, मोची भी तो ब्लैक कर देता। नहीं भाई, मोची जो करता वो लेदर को डाई नहीं करता, वो क्या करता बेसिकली सिर्फ एक वो पॉलिश को बार बार मल्टीपल टाइम्स ब्लैक पॉलिश अप्लाई करता है इसके ऊपर, जिससे कि क्या होता है जब आप क्लोथ्स लाइट कलर क्लोथ्स पहनते हैं या हल्का सा यहाँ पर जैसे ये टिप्स होती हैं अराउंड दी सॉक्स और अराउंड योर एल्बो, तो वहाँ पर क्या होता है नीज के अराउंड यहाँ पर आपके शू में वो ब्लैक, मतलब जो आपने फैब्रिक वियर किया है, जो आपने ट्राउज़र वियर करी है, वो फिर ब्लैक वहाँ पर स्पॉट्स बनने शुरू हो जाते हैं। और ये इतना बढ़िया इन्होंने डाई किया, इसका बेसिक प्रोसेस ये होता है, मैंने खुद स्टडी किया था कि भाई क्या ये लोग प्रोसेस सही फॉलो कर रहे हैं नहीं, तो द राइट थिंग प्रोसेस उन्होंने भी फॉलो किया। पहले इसमें से जो लेदर का प्राइमर होता है ओरिजिनल जो होता है
ब्रांड जो करके देता है उस प्राइमर को रिमूव कर किया जाता है, उसका सॉल्यूशन होता है प्रॉपरली, सो दैट उसका जो कलर है उस पर पहले डाई करने से पहले वो प्राइमर हटाया जाए, प्राइमर हटाया जाएगा फिर उसको वापस से रफ जो रॉ लेदर होता है उस फॉर्म में इसको लेके आया जाएगा, फिर उसे ड्राई होने के लिए छोड़ दिया जाएगा, देन उसके बाद 2-3 लेयर्स इसको डाई जो न्यू कलर किया जा रहा है वो की अप्लाई किया जाएगा, फिर उसको अगेन ड्राई होने के लिए छोड़ा जाएगा, आफ्टर दैट इस पर एक प्राइमर अप्लाई किया जाएगा सो दैट ताकि जो इस पर कलर है वो पर्टिकुलरली बना रहे, और जब इस पर पानी भी पड़े, कई बार ऐसे चांसेस आते हैं कि आप चलते हो और पानी की ड्रॉपलेट्स पड़ जाती हैं, रेनी डे है तो वो जो डाई की है लेदर पे वो जाके बहे ना, मतलब कि वो कलर छोड़े ना। तो मैंने भी इस पर पानी अप्लाई करके देखा भाई, हल्का सा भी कलर फेड नहीं हो रहा या कलर मेरे हाथ में नहीं आ रहा, तो आई रियली फील अमेजिंग कि यार मेरे मनपसंद चीज़ मेरे को मिल गई। ऐसे ही अमेजिंग एक्सपीरियंसेस के लिए इस चैनल पे बने रहे, सो दैट कि जिंदगी के छोटे 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 ऑब्स्टेकल्स जो होते हैं या सजेशंस होते हैं, एडवाइसेस होती हैं, वो हमेशा एक एक्सपर्ट ओपिनियन के साथ हमेशा आपको मिलती रहे। ऑलराइट गाइस, बाय बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड।